हाँ जी गाइस, क्या हालचाल। तो गाइस, सबसे पहले तो दो बातें। तो पहली बात, ये मेरी फोटो थी, इसको मैंने एडिट करा फोन के अंदर, ऐसे बना दिया, ठीक है जी। एंड इसके बाद जब मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड करा तो ऊपर नीचे से क्रॉप करके, अगर फोटो की लेंथ ज़्यादा तो क्रॉप तो हो ही जाती है, तो क्रॉप करके एंड उसके अंदर जूनो नाम का फिल्टर होता है, वो मैंने 30-40-50 के करीब वैल्यू रख के वो फिल्टर लगाया था, तो ऐसी फोटो बन गई थी, ठीक है जी। अब जो मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पर, कि मेरे पास जो रेडमी नोट 8 वाला फ़ोन है ना, उसके अंदर जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो जो इंस्टाग्राम वाला पार्ट होता है ना, जब इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड करके या फिल्टर वगैरह यूज़ करता हूँ, तो आप स्क्रीन के ऊपर देखिए कि पूरा ब्लैक ब्लैक दिखा रहा है। मतलब ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। अगर आप में से किसी को पता है तो भाई आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं यार। एंड अब दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर आपको ना ओवरव्यू हल्का सा दूंगा कि मैंने फोटो कैसे एडिट करी है। फिर भी अगर किसी ने पूरी वीडियो देखनी, पूरी वीडियो तो नहीं, मतलब पूरा एडिटिंग के लिए मुझे 2 घंटे के करीब टाइम लग गया था, तो मैंने वो बड़ी सारी वीडियो को एडिट करके थोड़ा 20-25 मिनट के करीब बनाया होगा, बनाना अभी मतलब तो यानी कि मैंने एडिट कैसे करी वो वीडियो अगर आपने देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अभी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ हल्का सा कि मैंने एडिट कैसे करा इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले मैंने फोटो को क्लिक करा था एंड इसके अंदर काफ़ी लोगों ने वो देखी वो चीज़, जो शर्ट मेरी उड़ रही होती है ना, तो वैसे हाथ से उड़ा रहा था लो ऐसे करके ना फटाफट से, तो वो चीज़ थी। तो वो चीज़ ना अगर हम अंधेरी वाली जगह में करेंगे तो फोटो ब्लर हो सकती है। जैसे मैंने पहले यहीं पर ट्राई करा था तो फोटो ब्लर हो रही थी, ऐसे मैं करता था हाथ भी ब्लर हो जाता था और शर्ट भी ब्लर हो जाती थी, मतलब ब्लर फोटो आ रही थी। तो फिर मैंने बाहर ट्राई करा जहाँ पर लाइट थोड़ी ज़्यादा हो, तो ज़्यादा लाइट की वजह से जो फ़ोन के कैमरे वो अच्छा काम कर जाते हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ ठीक हो गई थी। एंड काफ़ी सारी फोटोज़ मैंने क्लिक करी थी एंड उनमें से फिर मैंने एक सेलेक्ट करी थी। सिंपल सी बातें होती हैं, जो बैकग्राउंड को मॉडिफाई कर दिया, खुद की फोटो को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, स्किन को स्मूथ कर दिया, बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया, नई बैकग्राउंड के ऊपर लगा दिया। फिर जो एक्स्ट्रा फोटोज मैंने यूज़ करी थी, जैसे वो रैकेट की फोटो है एंड जो आगे जाली सी लगी हुई है ना, वो गाड़ी के ऊपर एक नंबर प्लेट लगाई थी, तो ये सारी चीज़ें ये पिक्सआर्ट के अंदर ही होती हैं, स्टिकर्स के अंदर जाकर ना, तो वहाँ पर ये फोटोज़ मिल जाती हैं, तो वहाँ से मैंने वो फोटोज़ को यूज़ कर लिया था। एंड उसके बाद लाइटरूम का पार्ट था, फिर स्नैपसीड का पार्ट था, सिंपल बस यही ध्यान में रखना था भाई हमें आउटपुट कैसी चाहिए, मतलब क्या चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं। तो जो लोग आप में से खुद ट्राई करना चाहते हैं ये फोटो की एडिटिंग, तो बैकग्राउंड का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको डाउनलोड करके खुद एडिटिंग कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी को डाउट आता है एंड जिनको नहीं आती एडिटिंग, तो उनके लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो है, 20-25 मिनट के करीब होगी शायद, तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। एंड जो लोग खुद ट्राई करना चाहते हैं, खुद ट्राई कर रहे हैं एंड फिर भी किसी स्टेप में डाउट आता है, वो भी वो वीडियो को देख सकते हैं। तो बस सिंपल सी बात है कि दो वीडियोज़ हैं, ये वीडियो में आपको मैंने ओवरव्यू बता दिया एंड अगर एडिटिंग का मेरा आपने स्टेप बाय स्टेप की वीडियो देखनी है मैंने कैसे एडिट करा, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। बाकी गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। गाइज, ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं एंड मिलते हैं हम अगली वीडियो में।